असलम क्लास सिक्स आज आप लोगों का चैप्टर नंबर सिक्स है एयर एंड द एटमोसफेयर सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉट इज़ दी एटमोसफेयर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं पढ़ लेते हैं विलेवर द बॉटम मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ विलेवर द बॉटम ऑफ अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोसफेयर एक थिक किस्म की लेयर है एयर की हमारी अर्थ को कवर कर रही है दैट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर दिस फिल्टर्स आउट द हार्मफुल रेज ऑफ द सन एंड कॉजिज मेटीरोइड्स टू बर्न अप बाय फ्रिक्शन बिफोर दे हिट द अर्थ ये दो काम करते हैं एक हार्मफुल रेज जो सन से आ रही हैं उनको फ़िल्टर करती हैं उनको आने नहीं देती हैं उनको फ़िल्टर करती हैं हार्मफुल रेज को ख़त्म कर देती हैं ठीक है और मटीरयड्स जो हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्पेशल रॉक्स टाइप होते हैं जो रॉक टाइप ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो जैसे हमारी अर्थ तक पहुंचते हैं तो वो फ्रिक्शन के थ्रू बर्न हो जाते हैं या हिट वो खर, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ठीक है अगर वो अर्थ को हिट कर जाएँ तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए मे बी को हो जाए ठीक है द एटमोसफेयर ऑल्सो एक्ट एज अ शेड टू स्टॉप द अर्थ बिकमिंग टू हॉट ड्यूरिंग द डे अच्छा सन शेड का, का काम ये होता है कि गर्मी को कम करते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एटमोस्फेयर वो भी कर रहा है कि हमारी अर्थ को गर्म होने से बचाता है एंड एज अ ब्लैंकेट टू प्रिवेंट द अर्थ गेटिंग टू कोल्ड एट नाइट और एक ब्लैंकेट की तरह भी काम कर रहा है एक सनशेड की तरह काम कर रहा है और एक ब्लैंकेट की तरह भी काम कर रहा uh, uh, है कि सनशेड की तरह इस तरह काम कर रहा है कि हॉट होने से बचाता है और ब्लैंकेट की तरह इस तरह काम कर रहा है कि कोल्ड नाइट से या फिर ठंडे होने से बचाता है ठीक है द दटमोस्फेयर इज मोस्ट डेंस एट ग्राउंड लेवल एंड आउट एज थे स्ट्रेचेज अपवर्ड एंडिल एट अबाउट फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स इट इज़ अबाउट वन मिलियन टाइम्स लेस डेंस दैन इट वॉज एट सी लेवल सी लेवल पर एटमोसफेयर बहुत ज़्यादा डेंस है वहाँ पर एटमासफेयरिक प्रशर भी ज़्यादा होता है ठीक है लेकिन फाइव हंड्रेड किलोमीटर जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं उसकी डेंसिटी मतलब वो उसकी ख़त्म होती रहती है वो लेस डेंस होता रहता है ठीक है इट इज़ ऑलमोस्ट अ वैक्यूम ये है इट इज़ अबाउट वन मिलियन टाइम्स लेस डेंस दैन इट वॉज एट सी लेवल और उसके बाद स्पेस में तो आपको पता है वैक्यूम है इनफैक्ट नाइन टेंथस ऑफ ऑल द सब्सटेंस और मैथ ऑफ द एटमोसफेयर इज़ इन द लेयर फ्राम द ग्राउंड अप टू अबाउट फिफ्टीन किलोमीटर्स आपको पता है कि ट्रॉपोसफेयर में मोस्टली uh, सारा जो हमारी फिफ्टीन किलोमीटर्स ट्रापोसफेयर है पहली लेयर है एटमासफेयर की uh, तो उसमें जो है वो uh, हमारा ज़्यादातर मैस जो है वो प्रजेंट है अर्थ का सारा मैथ ठीक है हमारे पास नेक्स्ट पेज है द कम्पोजिशन ऑफ एयर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्मिंग द लार्जेस्ट पार्ट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा कंपोजिशन बना रहे हैं कंपोजिशन ऑफ एयर इज रफली द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है द मेन डिफरेंसेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर इन हाउ मच वाटर वेपर स्मोक एंड डस्ट द एयर कंडीज वैसे तो रफली द सेम है कम्पोजिशन सारी सेम है यूजुअली नाइट्रोजन नाइट्रोजन अगर नाइट्रोजन कितनी है सेवेंटी एट है तो सेवेंटी एट ही है ऑक्सीजन ट्वेंटी वन है तो ट्वेंटी वन ही है लेकिन जो अदर डिफरेंसेस आते हैं वाटर वेपर अदर गैसेस की वजह से आते हैं ठीक है डस्ट पार्टिकल की वजह से स्मोक की वजह से द अमाउंट ऑफ वेपर वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी नमी को कहते हैं वाटर वेपर जो आपकी गैस uh, में आपकी एयर में जब uh, and, ये वाटर ड्रॉपलेट्स आप समझ लें वाटर वेपर्स वो जब वो, वो पाए जाते हैं तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं ठीक है नमी एयर आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज हीलियम हीलेम आर्गन आर्गॉन कार्बन डाइऑक्साइड भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री है अब इसका लेवल ज़रा बढ़ गया ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फ़ोर लिखा जाता है इसको क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बल्कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये अब ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर हो गया है तो बाकी ये वाटर पेपर्स वेरिएबल अमाउंट में होते हैं अदर गैसेस ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो ज़ीरो थ्री में होती हैं ठीक है हीलियम और अरगॉन है जो नोबल गैसेस हैं अच्छा एट रूम टेम्परेचर एयर इज़ सॉलीबल इन वाटर एयर सोलिबल होता है वाटर में एट रूम टेम्परेचर एवरी हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर कंटेन्स अबाउट टू सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिजो्ड एयर इफ़ यू हीट समाटर इन अ ग्लास बीकर यू कैन सी दिस वाटर कमिंग ऑफ इज बबल्स आपको पता है कि जब आप वाटर को हीट करना शुरू करते हैं तो उसमें से बबल्स इसलिए बनते हैं क्योंकि एयर जो है वो उसकी सॉलीबलिटी कम हो जाती है एयरलेस सॉलीबल हो जाता है वो सॉलीबल नहीं रहता इसलिए वो एयर के बबल्स ऊपर आ रहे होते हैं ठीक है जा, 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 आ, रूम टेम्परेचर पे एयर सॉलीबल है लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एयर ऊपर आती रहेगी वो बबल्स की फॉर्म में यानी एयर की सॉलीबिलिटी कम हो जाएगी वो डिज़ोल्व नहीं रहेगी important processes that use air air is important in a number of uh, natural industrial processes these include respiration rusting photosynthesis combustion and the manufacture of oxygen nitrogen and argon Aparthein respiration makes important respiration is the process is called respiration we puritan respiration bhi respiration is a process by which living things break down food and obtain the energy they need for living and growth हमें पता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है और जो एनर्जी है वो इंसान हम लोगों को मिलती है ग्रोथ के लिए मेंटेनेंस के लिए डेवलपमेंट के लिए ठीक है एनिमल्स एंड प्लांट्स और ये सब प्रोसेस है जो सांस लेने का मतलब उसको हम यूजुअली गलत अंदाज में उसको रेस्पिरेशन का प्रोसेस कह देते हैं हालांकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है एनिमल्स एंड प्लान्स रिस्पायर ऑल द टाइम बाई नाइट एंड डे हर वक्त रेस्पेरेशन कर रहे होते हैं फोटोसेंसिस एनिम प्लान्स सुबह कर रहे होते हैं लेकिन हम रेस्पेरेशन प्लान्स और एनिमल्स रेस्पायरेशन हर दोनों टाइम पर कर रहे होते हैं द वर्ल्ड इक्वेशन इक्वेशन है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन केवजेस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है उसकी ब्रेकडाउन होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज़ होती है ठीक है ह्यूमन बींगस एंड अदर मैमल्स टुगेदर विथ बर्ड एंड रेप्टाइल्स एंड एन्फीबियंस ऑफ्टन दक्सीजन दे नीड फॉर रिस्पायरेशन बाई ब्रीदिंग इन एयर थ्रू लंग्स अच्छा काफ़ी ज़्यादा ये सारी बातें जो बताई हुई हैं बर्ड्स रेपटाइल्स एनफीबियंस मैमिल्स ये सब लंगस के थ्रू ब्रीद करते हैं ठीक है एम द ब्ररीद आउट एयर विच कंटेन्स लेस ऑक्सीजन मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं इसलिए ऑक्सीजन की कम, uh, कम होगी लेस ऑक्सीजन होगी और वाटर uh, वेपर्स भी बाहर आते हैं इन द केस ऑफ एयर ब्रीद आउट बाई ह्यूमन बींग्स जिस कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटीन ऑफ ऑक्सीजन फोर 4% ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड ऑक्सीजन सिक्सटीन परसेंट होती है ठीक है ऑक्सीजन सिक्सटीन परसेंट बाहर आती है और फोर परसेंट कार्बन कार्बन डाईआक्साइड बाहर एक्सैल आउट होती है जबकि जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट हम अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है विद इन मोर विद इन विद मोर वाटर पेपर दैन वॉस बीड इन जितने वाटर पेपर अंदर होते हैं उससे ज़्यादा वाटर पेपर बाहर uh, बाहर निकलते हैं ठीक है अब हमारे पास है फ़िश और ऑक्सीजन फ्राम द वाटर यूजिंग देर गिल्स एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड बैक थ्रू दर गर्ल्स इं टू दाटर अच्छा फिश जो है वो ऑक्सीजन वाटर के थ्रू जो वाटर में डिजॉल्व वा ऑक्सीजन होती है वो अपनी गिल्स के थ्रू अंदर करती है और, और कार्बन डाईक्साइड रिलीज़ करती है अपने गिल्स के थ्रू प्लान्टते हैं उनके ऊपर एक पोर्स कुछ पोर्स होते हैं ठीक है उनकी स्किन के ऊपर आप समझ लें कि उनकी अपीडर में स्किन होती है उसके ऊपर कुछ पोर्स होते हैं कुछ सुराख होते हैं कुछ टोमेटा कहते हैं ठीक है और उनके निचले हिस्से में होते हैं अंडर साइड ऑफ द लीवस तो वहाँ से वो ब्रीथ करते हैं अच्छा ये सारी कंपोजिशन तो यह नर्ट का मतलब नोबल गैसेस है ठीक है वन परसेंट है ये कार्बन डाइऑक्साइड फोर परसेंट है एक्जेल्ड में वाटर वेपर्स मोर होते हैं हेल्ड से ये वेरिएबल अमाउंट होती है इनकी नाइट्रोजन सेवेंटी एट परसेंट ऑक्सीजन सिक्सटीन परसेंट है ठीक है और ऑक्सीजन जो है यहाँ ट्वेंटी वन परसेंट है और नाइट्रोजन सेवेंटी एट है दो नाइट्रोजन की दोनों जगह पर एक ही वैल्यू है ऑक्सीजन ट्वेंटी वन था इनहेल में तो ट्वेंट सिक्सटीन हो गया एक्स में इनहड गैसेज वन परसेंट ही हैं तो वन परसेंट ही हैं आगे भी वाटर वेपर वेरिएबल है अंदर आते हुए वेरिएबल है और कार्बन डाइऑक्साइड जीरो पॉइंट जीरो थ्री है यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो फोर हम यूजली आपको बताया जाता है तो फिर जब वो बाहर आता है तो वो फोर परसेंट हो जाता है रस्टिंग रस्टिंग जंग लगने का अमल है ठीक है फिन रस्टिंग फिनमिना ये जो है केमिकल रिएक्शन है ठीक है ऑक्सीजन के साथ होता है जब यूजुअली जो मेटल होता है जिस तरह आयरन है एलूमिनम है ये सारे जो हैं वो आ, लगते हैं इनको आ, ये ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में आ जाते हैं ठीक है तो अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन इन दी एयर एंड आयरन ऑक्सीजन लग जाती है तो ऑक्सीडेशन हो जाती है समझ लें कि ऑक्सीजन लग जाती है आयरन um, को तो फिर उसकी रस्टिंग हो जाती है थोड़ी ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है रस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड एक ऑक्साइड है ठीक है और uh, मतलब इस ऑक्साइड समझ लें कि उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है उसके फार्मूले में ऑक्सीजन ऐड हुई है वाटर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस नमी की प्रेजेंस में भी आपको पता है लोहे लोहा पानी में पड़ा रहता है तो उसको जंग लग जाता है सिंपल वर्ड इक्वेशन इज आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स बजे आयरन ऑक्साइड एस इज़ अ फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस वन आयरन रिएक्स ऑक्सीजन और वाटर कोई नई बात नहीं है फोटोसेंसिस इज द प्रोसेस फोटोसेंसिस पढ़ें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसेंसिस प्रोसेस यूज बाई प्लांट्स टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इंटू ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट एनर्जी सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाईऑक्साइड और, और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा होता है ठीक है और हाँ बस इसमें यही होता है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बन रही होती है यानी वेस्ट प्रोडक्ट बन रही होती है ठीक है ऐसी ब खुद बखुद बन रही होती है हमें नहीं चाहिए होती वैसे हमें चाहिए होती है लेकिन हमें नहीं पता था कि ये बनती है हमें बाद में पता चला था कि ये फोटोसेंसिस से ही बन रही होती है ठीक है तो बाय प्रोडक्ट हमेशा ऐसे कहते हैं कि हम रिएक्शन करा रहे हैं हमने रिएक्टेंट्स हमने कुछ चीज़ें ली हैं उनसे हमने कुछ बनाना है लेकिन दरमियान में एक ऐसी चीज़ बन रही है जो हमें नहीं पता थी कि बनेगी उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं ठीक है थीके? तो ऑक्सीजन इस प्रोसेस में वो बन रही है अच्छा नीचे ऑक्सीजन नीचे जो रिएक्शन है ये फोटो रिस्पायरेशन वाले रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है रिस्पायरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल के आ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना रहे थे और एनर्जी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं ठीक है एज बी सॉन पेज अच्छा द सन लाइट एनर्जी इज़ एब्जॉर्व बाई द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स कॉल क्लोरोफिल पता है हमें द कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्व फ्राम द एयर बाई द लीव्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से लीव्स में कैसे आती है थ्रू स्टोमेटा पोर्स के थ्रू आती है ठीक है और एबजॉर्व जाती है वाटर फॉर सेंसेस इज थ्रू द फॉरसेंसिस बाय प्लांट रूट और रूट्स के जरिए से वाटर जाता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें पास चल गया कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है एयर uh, से वाटर कहाँ से आ रहा है रूट से और ये मिला के तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे अच्छा इसके बाद हमारा पेज है कम्बशन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कम्बसन है हैं ये ड्यूरिंग द डे ग्रीन प्लांट्स फोटोसेंस फोटोसेंसाइज प्रोड्यूसिंग मच मोर ऑक्सीजन देन दे नीड टू देन दे नीड फॉर रिस्पायरेशन अच्छा ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ ये जो ये वाला पैराग्राफ है ज़रा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी बन के आप लोगों का आ सकता है डे के टाइम पर आपको पता है फ़ोटोसेंसिस हो रही होती है ग्रीन प्लांट्स फोटोसेंसाइज कर रहे होते हैं ठीक है तो फोटोसेंसिस का बायो प्रोडक्ट प्र, क्या था ऑक्सीजन बन रही थी फोटोसेंसिस uh, से ऑक्सीजन बनती है ठीक है और रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही है डे टाइम पे क्योंकि फोटोसेंसिस ज़्यादा हो रही है ठीक है तो इतनी ज़्यादा नीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कुछ जो है वो एयर में चली जाती है कुछ एयर में हो जाती है कुछ प्लांट अपनी नीड के लिए ले लेते हैं कुछ एयर में चली जाती है वो जो ऑक्सीजन होती है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं ठीक है अब देखें द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पास द सराउंडिंग एयर ठीक है एट नाइट फोटोसेंसिस स्टॉप नाइट पर फोटोसेंसिस नहीं हो रही होती थी, ठीक है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है बट द प्लांट्स कैरी ऑन रिस्पायरेशन अब सांस तो लेनी है रिस्पायरेशन तो करनी है तो ऑक्सीजन कहाँ से आए तो फिर उसका उसका ये तरीका होता है कि प्लांट्स uh, जो हैं वो कैरी ऑन रिस्पायरिंग टेकिंग इन ऑक्सीजन फॉर दिस प्रोसेस और फिर ऐसा ये होता है कि रात का को पता उल्टा हो जाता है प्रोसेस प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेना शुरू हो जाते हैं एनिमल्स की तरह हमारी तरह <coughs> अच्छा हावे द प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स ऑल एनिमल लाइफ स्टिल टेक इन लेस ऑक्सीजन एट नाइट दैन द अमाउंट ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डे लेकिन वो कम अमाउंट ले रहे होते हैं एज कम्पेयर टू द अमाउंट दैट इज प्रोड्यूस एट द डे वो जो अमाउंट ले रहे होते हैं नाइट में वो कम होती है ऑक्सीजन की ठीक है एज अ रिजल्ट फोटोसेंसिस कीप्स द कम्पोजिशन ऑफ अर्थ एटमासफेयर मोर और लेस कॉन्सटेंट तो इस तरीके से फोटोसेंसिस जो है वो अर्थ की कंपोजिशन को कॉन्सटेंट ऑलमोस्ट रख रही है कंबशन जो है वो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होना जलना किसी चीज़ का ठीक है कंबशन मीन्स बर्निंग इट वॉज फ्रेंच केमिस्ट कॉल लेबॉइजर हु शो दैट सब्सटेंस यूज ऑक्सीजन फॉर द एयर वन दे बर्न ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ बर्न बर्न होती है ठीक है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंबशन और ये जो साइंटिस्ट था फ्रेंच साइंटिस्ट था लेबॉइजर इसका नाम था उसने ये बात प्रपोज़ की थी है लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज़ इन कम्बशन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो बनती है ठीक है तो यूजुअली फ्लेम कैन बी सीन तो इतना होता है कि आपको चिंगारी नज़र आ रही होती है फ़्लेम नज़र आ रही होती है ठीक है बर्निंग का कैंडल और अ पीस ऑफ चार कोयला ऑफ कम्बशन आप कोयला जलाते हैं कम्बशन की एग्जाम्पल है मोमबत्ती जला रहे हैं कम्बशन की एग्ज़ाम्पल है नेचुरल गैस जला रहे हैं तो मतलब गैस जला रहे हैं नेचुरल गैस जला रहे हैं तो वो भी कम्बसन की एग्ज़ाम्पल है एज़ वेल एज इनर्जी कम्बशन यूजली प्रोड्यूस कार्बन डाईआक्साइड एंड वाटर तो कार्बन डाईआक्साइड वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है नीच वाली इक्वेशन पहले देखें मीथेन जो है वो एक गैस है वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो उसकी कम्बशन होती है कार्बन डाईआक्साइड प्रोड्यूस होती है वाटर प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर एड करके लिखें कि प्लस एनर्जी और बहुत ढेर सारी एनर्जी और हीट प्रोड्यूस होती है ठीक है गैस मीथेन फॉर एग्जाम्पल कंटेन्स एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन बैन मीथेन बैंड कार्बन एंड वाटर आर प्रोड्यूस दो तो इक्वेशन तो नीचे बताई हुई है मीथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है सी एच फोर इसका फिन इसका जो फार्मूला है वो सी एच फोर है जब वो ऑक्सीजन के साथ लगती है तो इसका जो सी कार्बन होता है वो मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जो एच और ओ होते हैं वो मिला के वाटर बनाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ़ एयर अब एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होती है इन ऑर्डर टू अपटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एयर इज टर्न्ड इनटू अ लिक्विड एंड फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड सबसे पहले एयर को लिक्विड में बनाया जाता है ठीक है और उसकी डिस्टिलेशन होती है लार्ज क्वांटिटी uh, क्या करने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमें चाहिए तो एयर को हम क्या करेंगे एयर को हम पहले लिक्विफाई करेंगे वहां से हम लोग उसकी डिस्टिलेशन करेंगे एयर जो है सबसे पहले एयर इज फिल्टर्ड टू रिमूव एनी इज देन कूल्ड एंड कंप्रेस्ड फॉर स्कवाश एंडल इट रीचेज माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वैल द एयर इज बिंग कूल्ड द वाटर पेपर कंडेंसर्स एंड इज रिमूव्ड बाय स्पेशल फिल्टर्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीजेस एट माइनस सेवनटी नाइन डिग्री सेल्सियस एंड इज़ रिमूव्ड, ऑक्सीजन टर्नस इनटू टू अ एट माइनस वन एटी थ्री डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन एट माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस ये इस तरीके से ये जो आप लोगों ने ये जो फ्रीजिंग uh, पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ये की बात है तो ये आप लोगों ने ये याद करने हैं कि कौन कार्बन डाइऑक्साइड कितने पे फ्रीज होता है ऑक्सीजन कितने पे होती है नाइट्रोजन कितने पे होती है ठीक है इसमें ये प्रोसेस है कि असल में एयर है ना फॉर एग्जांपल एयर इधर डली हुई है ठीक है अब क्या होगा कि अब इसमें ये होगा कि यहाँ से हमने एयर इंट्रोड्यूस करवाई यहाँ पे जाके हमने एयर को लिक्विफाई कर दिया ठीक है एयर लिक्विफ़ाई हो गई है उसके बाद हम लोग उसमें से डस्ट पार्टिकल्स निकालेंगे और उसको कंप्रेस करेंगे उसको फ्रीज़ करेंगे उसमें जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे आपको पता है एयर के अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगे उनको हम फिल्टर से रिमूव कर देंगे अब पीछे बचा क्या डस्ट पार्टिकल रिमूव कर दिए थे एयर में एयर में से और वाटर पेपर्स भी रिमूव हो गए इसका मतलब लार्ज क्वांटिटी इन गैसेस की है तो फिर उसके बाद फ्रिक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अब डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट पे वो जो 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 चीज़ फ्रीज़ होती जाएगी वो रिमूव होती जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड अगर uh, फ्रीज़ होती है से माइनस सेवेंटी नाइन पर तो वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगी इसी तरीके से मतलब फिर इसी तरीके से ऑक्सीजन और फिर उसके बाद नाइट्रोजन है ठीक है अच्छा इसके बाद है हमारे पास इसके बाद पेज है सिक्सटी वन पेज नंबर सिक्सटी वन ये द लिक्विड एयर पासिज इन टू द वॉम बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेशिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इट ओनली टेक्साइट इज़ वार्मिंग फॉर द लिक्विड नाइट्रोजन टू बॉयल एट द बॉटम ऑफ द कॉलम नाइट्रोजन राइजेज टू द टॉप एंड इज पाइप्ड ऑफ एंड स्टोर्ड लिक्विड ऑक्सीजन कलेक्ट्स एट द बॉटम ऑफ द कॉलम एंड इज पाइप्ड ऑफ एंड स्टोर्ड सिंस आर्गन हैज अलिंग पॉइंट वेरी नियर टू दट ऑफ ऑक्सीजन सेकंड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज टू सेपरेट आर्गन फॉर फ्राम ऑक्सीजन अच्छा उतए है के जो लिक्विड एयर है वो नीचे जाके कॉलम के नीचे जाके बैठती है ठीक है अब उसमें ये होता है कि इट ओनली टेक्स अ दिसट इज वार्मिंग फॉर द लिक्विड नाइट्रोजन आपका होता है नाइट्रोजन 196 नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है ये फ्रीज हो रहा है ठीक है इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट है तो थोड़ा सा गरम गरम करेंगे तो ये जो है वो बॉइल हो जाएगा ठीक है अब जब बॉयल हो जाएगा तो आपको पता है जो चीज़ बॉयल होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है तो वो ऊपर की चले चला जाएगा और वहाँ से उसको हटा लिया जाएगा लिक्विड नीचे ऑक्सीजन नीचे रहेगा ठीक है वो भी हटा लिया जाता है लेकिन ऑक्सीजन और आर्गन के लिए एक और एक दफ़ा फ्रैक्शनेशनिंग फ्रैक्शन फ्रैक्शनल फ्रेक्षिने, डिस्लेशन करनी पड़ती है क्योंकि दोनों की ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम सेम है ठीक है अच्छा ये जो है ना यहाँ पे जो बात की हुई है के टॉल टेक्सिस लाइट इज वार्मिंग फॉर द लिक्विड नाइट्रोजन टू बॉयल एट द बॉटम ऑफ द कॉलम तो वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट से कोई लेना देना नहीं वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो जल्दी बॉल बॉयल हो जाता है उसको थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी आपको हीट देनी पड़ती है ठीक है अब उसके नीचे है प्रॉपर्टीज ऑफ़ गैसेज इन द एयर गैसेज आर नॉट एज ईजी टू स्टडी एज सॉलिड्स और लिक्विड ऑफ एन देजिबल दे आर डिफिकल्ट टू कीप एस द्विकली फाइंड दर वे आउट ऑफ टाइनी होल्स एंड क्रैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हेर द प्रॉपर्टीज़ ठीक है इसमें यह है कि इनविजिबल हैं और इनकी जो है वो इतने आसान नहीं है सॉलिड और लिक्विड की तरह क्योंकि ये एक जगह पर नहीं होती ये कहीं से भी कोई होल हो तो वहाँ से निकल जाती हैं लेकिन गैसेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, है पढ़ना तो इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन आती है नाइट्रोजन मेक्स अप अबाउट फोर फिफ्थ और नियरली एटी परसेंट ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम आपको बताए सेवेंटी एट परसेंट कोई कम बात नहीं होती सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारी एटमॉस्फेयर में तो ये नाइट्रोजन जो है वो फोर फिफ्थ और या फिर एटी परसेंट ऑफ एयर बनाती है बाय वॉल्यूम ठीक है कलरलेस गैस है और इसकी कोई स्मेल नहीं होती विच डज नॉट हैव अ स्मेल इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ और कम्बशन कम्बशन नहीं करवाती हमें जिंदा रहने के जिंदा रहने के लिए नहीं चाहिए इट इज़ जनरली एन इनर्ट और अन रिएक्टिव गैस इनर्ट गैस है कोई रिएक्शन नहीं देती अन रिएक्टिव गैस है ऑल दो इट डज फॉर्म अ नंबर ऑफ ऑक्साइड्स लेकिन ऑक्साइड्स फॉर्म करती है ठीक है इनके साथ ऑक्सीजन मिलते हैं तो फिर ये कुछ ऑक्साइड्स फॉर्म करती है नाइट्रोजन इज मैनुफेक्चर बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर इट इज़ यूज टू मेक अमोनिया अमोनिया को फॉर्म करने के लिए अमोनिया को पता है हमें रिक्वायर्ड होता है अमोनिया फर्टिलाइजर्स बना रहे होते हैं तो हमें चाहिए होता है उसके लिए हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनाई जाती है नाइट्रोजन मिला हटाई जाती है यानी सेपरेट की जाती है फॉर दिस नाइलॉन एंड अदर आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड आल्सो फर्टिलाइजर्स आर मेड मेरे अमोनिया से जो है वो नाइलॉन आर्टिफिशियल फाइबर्स और फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं ये ज़रा मार्क कर लें अमोनिया इज़ ऑल्सोजिवर्टरफुल केमिकल्स नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है अमोनिया और उस पर उससे डाइज एक्सप्लोसिव और फर्टिलइजर डाइज रंग करने वाली चीज़ें एक्सप्लोसिव यानी तबाही मचाने वाली चीज़ें और फिर फर्टिलाइजर्स यानी खाद वगैरह बनाई जाती हैं और लिक्विड नाइट्रोजन एज अ बॉयलिंग पॉइंट माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस अच्छा ये जो मैं बताऊँ Uh, पीछे जो हम लोगों ने डायग्राम देखी है ना उसमें ये जो नाइट्रोजन वन नाइन माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस था इसका बॉइलिंग पॉइंट है और हाँ ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है लेकिन ऊपर इन लोगों ने इनटू इंड लिक्विड एंड हाँ ये इसका ये यह यहाँ पे इन लोगों ने कन्फ्यूजन दी भी है ऊपर इन लोगों ने कहा हुआ था ऑक्सीजन टर्न्स इनटू अ लिक्विड एट माइनस वन एटी थ्री डिग्री सेल्सियस एंड नाइट्रोजन एट माइनस वन नाइन सिक्स डिग्री सेल्सियस ये मैं आप लोगों को कंफर्म करके बताऊँगी कि इसके नाइ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बॉइलिंग पॉइंट क्या है यहाँ आप लोगों की बुक में गलत दिया हुआ है अच्छा एंड इज़ यूज फॉर कूलिंग वर्ट फर्टिलइजर्स टू अ वेरी लो टेम्परेचर अच्छा फर्टिलाइजर्स को कूल cool करने के लिए भी यूज़ होता है टेम्परेचर कम कम टेम्परेचर पे कूल cool करने के लिए यूज़ होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन अकर्स नेचुरली इन सच एज प्रोटीन्स एंड नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स और प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन अब आ जाए ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट है मतलब अबंडेंटली यही ज़्यादा प्रेजेंट है वैसे तो नाइट्रोजन है एयर में लेकिन अर्थ पे ज़्यादा अबंडेंट ऑक्सीजन है ऑक्साइड भी हैं और ऑक्सीजन वालेदा से भी ले रहे हैं ठीक है और भी और और भी बहुत सारे फॉर्म्स में ऑक्सीजन है ओजोन है ये वो एक में एक अबाउट ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ द एयर लेकिन एयर को ये बाय वॉल्यूम कितना ना रहा है ट्वेंटी वन परसेंट इसकी कम्पोजिशन में है अर्थ ऑल्सो हैज एन ओजोन लेयर ओजोन लेयर है जो कि ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन में से फॉर्मूला ओ थ्री तीन किस्म के ऑक्सीजन आइटम लगे हुए होते हैं इसके साथ और ऑक्सीजन गैस में दो होते हैं विच इज़ ऑक्सीजन इन द एयर वे ब्रीद लेकिन ये अच्छा ऑक्सीजन ओ टू जो है वो हमें चाहिए होती है सांस लेने के लिए लेकिन ओ थ्री से हमें सफिकेशन होती है सांस में दिक्कत होती है ठीक है तो ये दोनों आप लिए याद रखिएगा सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए ओजोन हमें सांस लेने के लिए नहीं चाहिए ऑक्सीजन अकर्स इन वाटर एंड इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मटीरियल विच मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट अर्थ की क्रस्ट बनाने के लिए बनाने में यूज़ होती है ऑक्सीजन जो है वाटर में भी डिजॉल्व है ठीक है सेंड फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन ऑक्साइड तो ऑक्साइड्स बनाने के लिए सिलिकॉन ऑक्साइड आपको पता है सैंड का आपको बताना चाहिए सैंड जो है जिसे आप रेत कहते हैं दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड अच्छा ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस है इसकी कोई स्मेल नहीं होती स्लाइटली डेंसर है यानी थोड़ी सी हैवी है एयर्स थोड़ी सी हैवी है इट इज़ लाइटली सॉलीबल इन वाटर थोड़ी सी सॉलीबल है वाटर में ऑक्सीजन इज मैनुफेक्चर बाई द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ़ लिक्विड जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा इट इज़ यूज इन द मैनुफेक्चर ऑफ़ स्टील एंड ऑक्सीटाइलिन कटिंग एंड वेल्डिंग ऑक्सी स्टाइलिन कटिंग एंड वेल्डिंग ये आप लोगों के लिए मुश्किल मुश्किल टर्म्स हैं और आप लोग हैं सिक्स क्लास और इतनी मुश्किल टर्म्स हैं ऑक्सीटाइलिन कटिंग एंड वेल्डिंग मतलब ये एक ऐसा आप समझ लें ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी जो कटिंग और वेल्डिंग यानी जो मेटल्स वगैरह को कट करने के लिए आपको बोलते तो वेल्डिंग शेल्डिंग का काम हो रहा होता है उसमें ऑक्सी एसिडाइलिन फ्लेम यूज़ होता है ऑक्सी जिसके साथ लग जाए उसका मतलब यह है कि उसमें उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसमें भी यूज़ हो रही है ठीक है स्टील को मैनुफेक्चर करने के लिए करने के लिए भी हो रही है ब्रीदिंग एपरेटिस में यूज़ हो रही है डाइविंग के लिए ठीक है फायर फाइटिंग के लिए यूज़ हो रही है हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रही है इट इज़ आल्सो यूज एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स रॉकेट्स में फ्यूल के तौर पर यूज़ हो रही है लेबॉटरीज में आ, आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस कौन सी वाली है बिकॉज इट विल मेक अ ग्लोइंग वुडन स्प्लिन बर्स इन टू फ्लेम अब ये जो वुडन है ना अब आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन कैसे ये चीज़ ऑक्सीजन है अगर अगर कोई चीज़ अगर आप एक गैस आपके पास एक गैस है आपने पता लगाना है ये ऑक्सीजन है या कोई और गैस है आप उसको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ किसी वुड किसी कागज़ किसी लकड़ी शकड़ी के साथ लगाएं और अगर वो बर्न हो जाए वो चीज़ जल जाए तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन है क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा कंबशन में यूज़ होती है ना जलाने में ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और इज़ इट इज इन्वॉल्व इन रस्टिंग आपको पता है हमने पीछे पढ़ा रस्ट इज अ फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड विच इज फॉर्म फ्राम आयरन ऑक्सीजन वाटर पढ़ के आए हैं कम्बसन ऑक्सीजन सपोर्ट कम्बशन इफ समथिंग विल बर्न एक मिनट मैं अगला पेज करती हूँ कम्बशन यहाँ से पढ़ियों कम्बसन ऑक्सीजन सपोर्ट कम्बस इफ़ समथिंग विल बर्न इन एयर ठीक है इट विल बर्न इवन बेटर इन ऑक्सीजन अगर कोई चीज़ एयर में बर्न हो रही है तो इसका मतलब ऑक्सीजन में बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीजन प्योर फॉर्म ऑफ यानी ऑक्सीजन जो है वो प्योर फॉर्म है लेकिन एयर में आ, और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं अच्छा फोटोसेंसिस है ऑक्सीजन बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस आपको बताया पहले पढ़ते हुए ऐसे सारी बातें आई हैं बायो प्रोडक्ट होती है रिवर्स ऑफ फोटोसेंसिस ऑक्सीजन कम्बाइंड विद फूड सचेज ग्लूकोज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस एनर्जी कार्बन डाई ऑक्साइड वाटर पड़ा क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको पता है कि ये रिवर्स प्रोसेस है फोटोसेंसिस का इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस से फूड की ब्रेक डाउन होती है और कार्बन डाई वाटर रिलीज होती है और इनर्जी भी ऑक्साइड्स क्या है ये इंपॉर्टेंट है फाइव वाला ऑक्साइड्स कम्बाइन विद ऑल अदर एल एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर द रेयर और नोबल गैसेस नोबल गैसेस और रेयर मेटल्स के साथ ये नहीं कम्बाइन uh, होता रेयर गैसेस के साथ द कंपाउंड फॉर्म्स बाई दीज आर कोल ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स बनते हैं उससे यानी किसी uh, ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ा है फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन के साथ जुड़ा है तो फिर ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा या इस तरीके तो आयरन का ऑक्साइड बनाएगा तो मोस्ट मेटल्स बर्न एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स कुछ जो है मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ बर्न ऑक्सीजन के साथ बर्न होते हैं जल जलते हैं ताकि वो उसके ऑक्साइड्स बनाए मैग्नीशियम जो है वो ब्रिलियंट वाइट फ्लेम में वाइट कलर का इसका फ्लेम होता है वाइट कलर की आग होती है उसमें यह ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो यह ऑक्साइड बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये वाइट पाउडर होता है वाइट कलर अब ये न, कलर आप लोगों को याद होना चाहिए कि वाइट होता है फ्लेम का कलर भी वाइट होता है और पाउडर का कलर भी वाइट होता है मोस्ट नॉन मेटल आल्सो बर्न इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड कार्बन फॉर एग्जांपल बर्न इन ऑक्सीडन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन मेटल है नीचे कार्बन डाइऑक्साइड पड़े कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस कलरलेस गैस है डेंसर है ठीक है हेवियर है एयर से ज़्यादा जिस तरीके से ऑक्सीजन थी इट कैन बी पोर्ड ओवर अ बर्निंग स्टैंड टू पुट इट आउट एक चीज़ जल रही है उसको आग लग यूजली ऐसा होता है जंगलों में आग लग जाती है तो हम ड्राई आइस यूज़ करते है। हैं ड्राई आइस कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक है ड्राई आइस असल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वाटर नहीं होता तो ये ना जलती हुई फर्ड जंगलात में आग लग जाती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का हेल्प कार्बन डाइऑक्साइड की मदद लेते हैं अंडर प्रेशर क्वाइट अलाट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है लेकिन हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है ये हमारी कंडीशन है एंड दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड टू मेक फिजी ड्रिंक्स सच एज लेमिनेट आपको पता है कि जैसे ये पेप्सी कोक को वगैरह होती है इनमें फिजी ड्रिंक्स बनाने के लिए प्रेशरइज़्ड कैन्स में ये फिल्ड होती हैं यानी नि आप निका आप जैसे ही बॉटल खोलते हैं तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है यानी वो कंप्रेस होकर उन ज़बरदस् के अंदर डाली हुई होती है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स द वीक एसिड कार्बोनिक एसिड सबसे ज़्यादा वीक एसिड है ये कार्बनिक एसिड कहते हैं इसको ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व होती है तो ये फॉर्म होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वाइट एंड इज़ नोन एज ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कहते हैं ड्राई आइस वही मैं कह रही हूँ जिस जब यूजली जंगलात वग़ैरह में आग लग जाती है तो उस ड्राई आइस को यूज़ किया जाता है इट इज़ यूज फॉर कूलिंग ठंड ठंडा करने के लिए वेन हीटेड ड्राई आइस इज़ नॉट मेल्ट बट सबलाइम फॉर्मिंग द गैस अच्छा ड्राई आइस जो है जब उसको हीट करेंगे तो वो कभी भी मेल्ट नहीं होगी लिक्विड फॉर्म ही नहीं आएगी बल्कि वो सब्लाइम हो जाती है मतलब सब सबलाइम का मतलब इस तरह से सुने सबलाइम का मतलब यह है कि एक चीज़ गैस स्टेट में है गैस स्टेट में है ठीक है वो पहले लिक्विड स्टेट में आएगी फिर सॉलिड में जाएगी है ना तो ऐसा होता है अगर फॉर एग्जांपल गैस है बुखार आते हैं पानी के उनको हम लिक्विड स्टेट, स्टेट में लाएँगे कंडेंस करके फिर उसके बाद उसको फ्रीज़ करेंगे वो सॉलिड स्टेट आइस में आ जाएगी लेकिन ये वाहिद ऐसी ये गैस है वाद तो नहीं मतलब गैस ऐसी है जो सप्लाई होती है यानी मेल्टिंग यानी वो लिक्विड की फॉर्म में नहीं आती बल्कि गैस से फ़ॉरन सॉलिड बन जाती है जैसे आप इसको हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट फ्लेमेबल एंड इट डज नॉट सपोर्ट कम्बशन कार्बन डाइऑक्साइड को आग नहीं लग सकती है कंबशन नहीं करवाती फॉर दिस रीज़न इज यूज इन फायर एक्सटिंगविशर टू पुट आउट फायर्स और इसी रीजन की वजह से ये फायर एक्सटिंगविशर्स में यूज़ होती है जिस तरीके से हम ड्राई आइस यूज़ कर रहे थे फायर्स को खत्म करने के लिए कार्बन डाईआक्साइड इज प्रोड्यूस मैन लिविंग थिंग्स डिस्पायर इन वैन कार्बन एंड कंपाउंड कंटेन कार्बन कंटेनिंग कार्बन और बैंड कार्बन डाइऑक्साइड तब प्रोड्यूस होती है जब लिविंग थिंग्स रिस्पायर कर रही होती हैं या फिर कार्बन कंटेनिंग कम्पाउंड जो हैं वो बर्न हो रहे होते हैं kind of अच्छा, कार्बन डाईआक्साइड प्रोड्यूस यीस्ट वन इट रिस्पायर यूज टू मेक ब्रेड एंड सम काइंड ऑफ केक्स राइस अच्छा पता है कार्बन डाइऑक्साइड की फर्मेंटेशन जो यूज करा रहा होता है ये फर्मेंटेशन जो यूज़ करा रहा होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है उससे बन्स वगैरह ये ब्रेड बन्स और केक्स वगैरह जो हैं वो फूल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस पढ़ चुके हैं इन द लेबॉट्री कार्बन डाइऑक्साइड इज टेस्टेड फॉर बाय बबलिंग द गैस इन टू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ये चीज़ याद करें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को हम कहते हैं लाइम वाटर कार्बन डाईऑक्साइड का टेस्ट जो है वो ऐसा होता है कि इसमें असल में ये होता है मैं पढ़ पढ़ लेती हूँ सारा लाइम ऑडर टाइम चौकी एंड क्लाउडी दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट अवॉइड इन सोलिबल सॉलिड इज फॉर्म अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोलूशन एक होता है उसमें से आपने एक गैस पास किया आपको नहीं पता कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि ऑक्सीजन है कि जो भी है लेकिन अगर उसमें से आपने पास की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का था। जो सोलूशन है वो वैसे पहले पानी टाइप ही होगा ट्रांसपेरेंट था। होगा लेकिन तब उसके बाद वो मिल्की होना था। शुरू हो जाएगा यानी वाइट वाइट होना शुरू हो जाएगा चौकी होना शुरू चौक के कलर का होना शुरू हो जाएगा या क्लाउडी होना शुरू हो जाएगा तो फिर वाइट वाइट होना शुरू हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी क्योंकि वो अब कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट का कलर वाइट वाइट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड डाईआक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर अच्छा क्या कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स लाइम वाटर टर्निंग क्लाउडी और मिल्की ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ब्राइट प्रोडक्ट ऑफ मेनी प्रोसेस हमें पता है अच्छा हाउवर इट इज़ यूजअली मैनुफेक्चर बाई हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ चॉक और लाइम स्टोन इना लाइम कैल केल कहते हैं भट्टी को जैसे किसी ईंटों की भट्टी होती है ईंट बनाने वाली ठीक है तो का आ, ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी बनाई जाती है अगर uh, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ चॉक और लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं हम तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड इज मैनुफेक्चर बाई हीटिंग चॉक और लाइम स्टोन इन अ केल लाइक दिस बताया हुआ कि लाइम स्टोन की केल जो है उनकी भट्टी यानी लाइम स्टोन बनाने की जो यूजली ऊंटें बनाने वाले आपको बताया वहाँ वो एक कैल होता है तो उसमें इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड द ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा मैं बस एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट ये सारे मैंने पढ़ा दिए ऊपर के जो रिएक्शन हैं आप लोग वो मैं असल में अपनी बुक से पढ़ा रही हूँ तो अब मैं नीचे फ़ोन की तरफ नहीं देख रही तो आप लोग प्लीज़ बुक खोल के बैठे हैं क्योंकि फिर ये मत मुझे कहिएगा कि यहाँ पे तो ये पेज हमारे पास खुला हुआ था तो आपने पता नहीं कहाँ तक पढ़ा दिया है ठीक है तो आप बुक खोल के बैठे मैं बुक में से ही पढ़ा रही हूँ उंगली रखे पढ़ें मैं मैं बता रही हूँ मैं कहाँ कहाँ से पढ़ा रही हूँ ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ से द सन वार्म द अर्थ एंड सर्टिन गैसेज सच एज़ कार्बन डाईऑक्साइड ट्रैप द हीट इन द एटमोसफेयर सन जो है वो अर्थ को वार्म कर रहा है क्योंकि अर्थ के अराउंड कार्बन डाईऑक्साइड और काफ़ी ज़्यादा गैसेज हैं ठीक है जो कि हीट को ट्रैप कर लेती है. This is called greenhouse effect. इसको हैं दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हमारा एयर है एटमोसफेयर है ना एटमासफेयर में काफ़ी ज़्यादा गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है ठीक है तो जब सन हीट करता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी ऐसी है गैस जो अंदर आने देती है हीट को लेकिन बाहर नहीं जाने देती तो इस तरीके से जो अर्थ है वो हीट हीटअप हो जाती है इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकॉज द गैसेज इन द एटमोस्फेयर एक्ट आते लाइक ग्लास इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस में भी यही तरीका होता है जिस तरीके से अभी ये डायग्राम बनी हुई है देख लीजिए कि सनलाइट अंदर आ रही होती है और फिर उसके बाद बाहर नहीं जा रही होती है देखें ट्रैप हुई भी है लिखा हुआ हीट ट्रैप इन साइड द ग्रीन हाउस अंदर आ रही है लेकिन बाहर नहीं जा पा रही इस तरीके से पौधों को तपिश मिलती है गर्मी मिलती है तो वो जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं ट्रैपिंग हीट एंड कीपिंग इट विद इन द अर्थ एटमासफियर विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ आर अर्थ वुड बी ऑन एवरेज अबाउट थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस गोल्डन दैन इट इज़ नाउ अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो हमारी अर्थ में जो माइल्ड टेम्परेचर है वो ना हो बल्कि सर्दी हो बर्फ़ पड़ी हो या इस तरीके से हो ठीक है थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस कोल्डर हो अग, अभी अगर जितना है तो उससे थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस कोल्डर हो लाइफ और ओनली भी पॉसिबल इन द ट्रॉपिक्स एंड मोस्ट ऑफ़ द वर्ल्ड वाटर वुड बी फ्रोजन सॉलिड और इस तरीके से अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो जो समंदर हैं वगैरह हो ही ना ये फ्रीज हुए हुए हो ठीक है मतलब टेम्परेचर ना हो ना टेम्परेचर ट्राप ही ना हो हीट ही ना हो तो ये सब चीज़ें फ्रीज़ हुई हुई हूँ और लाइफ जो है वो सिर्फ ट्रॉपिक्स में यानी जो थोड़े से गरम गरम इलाके हैं उनमें थोड़े से मतलब उधर लाइफ हो लोग उधर बसें वरना कहीं और ना बस सकें फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाई आक्साइड एंड अदर सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर रिमेन मोर और लेस अच्छा काफ़ी टाइम तक तो इनकी जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती रही अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट और बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं बट ड्यूरिंग द लास्ट वन फिफ्टी ईयर्स इन पूरा पीछे जो वन फिफ्टी ईयर्स हमने गुजारे हैं ना में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो इंक्रीज गई है थर्टी वन परसेंट तक ठीक है ओवर द सेम पीरियड द लेवल ऑफ मीथेन एंड इवन मोर पावरफुल ग्रीन हाउस गैस इन एयर हैज़ राइज इन अबाउट वन फिफ्टी वन परसेंट मीथेन की लेवल इंक्रीज़ हुआ है वन फिफ्टी वन परसेंट कार्बन का हुआ है थर्टी वन परसेंट मोस्टली बाई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अच्छे रेजिंग कैटल इन ग्रोइंग आइस अब यह रेजिंग कैटल अगर होते हैं कैटल रेज मतलब कैटल ये जो ग्रेजिंग वगैरह कर रहे होते हैं उससे मीथेन रिलीज़ हो रही होती है और जो आइस है आपको तो पेडी फील्ड्स चावलों की जो फसलें होती हैं उनमें से तो वैसे ही मीथेन रिलीज हो रही होती है तो मीथेन इतनी ज़्यादा रिलीज हो गया कि उसका पर, उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया है द मेन रीज़न फॉर द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाईआक्साइड इन दियर इज बिकॉज वी आर बर्निंग मोर एंड मोर फॉसल फ्यूल्स ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्यों रिलीज क्यों इंक्रीज़ हो क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर, cool, कर रहे हैं कोल ऑयल नेचुरल गैस इन सबको हम जलाते हैं बट ड्राइविंग कार यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट्स दैट बंट फॉसिल फ्यूल्स और हीटिंग आर होम्स विद वुड कोल ऑयल और नेचुरल गैसेस भी रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड अदर हीट ट्रैपिंग गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर तो आ रहे हैं कि हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं ठीक है हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं पावर हाउस वगैरह से वहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं और वर्ड कोल ऑयल नेचुरल गैस इनसे हम अपने घरों को हीट दे रहे, कर रहे हैं हीटिंग कर रहे हैं इधर डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उधर सारों सारी जगहों से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है और बाकी जो हीट ट्रैपिंग गैसेज हैं वहाँ वो रिलीज़ हो रही हैं क्लियरिंग फॉरेस्ट अनदर बिग सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज अच्छा आपको पता है फॉरेस्ट वगैरह जंगलात की कटाई वगैरह जो होती है ये इसका मतलब है कि बिकॉज फ्यूअर ट्रीज़ मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बीग टेकन अप ड्यूरिंग आपको पता है जो जंगलात हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अब अगर जंगलात नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ ही नहीं होगी वो तो इधर की उधर ही पड़ी रहेगी तो उसकी कार्बन डाईआक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो इसलिए अगर जंगलात की कटाई हुई से कार्बन डाईआक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी एज द कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ग्रो अब ये हार्मुल इफेक्ट है कि अब जब इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेज की परसेंटेज इंक्रीज़ होगी है तो ज़्यादा हीट होगी एटमॉस्फेयर में और इस्केप नहीं हो पाई क्योंकि निकली नहीं है मतलब आपको पता है कि हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है अंदर आने देता है हीट को लेकिन बाहर नहीं जाने देता दिस इनक्रीजन इन हीट ट्रैप्ड हीट चेंजेस द क्लाइमेट एंड अल्टर वेदर पैटर्न्स इस तरीके से वेदर पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं ठीक है, है? मौसम चेंज हो जाते हैं इट मे लीड टू तो सर्टेन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ बिकमिंग ऐसा अच्छा, मौसम किस तरह चेंज होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे आज से वन फिफ्टी ईयर्स पहले सिर्फ़ बर्फ़ पड़ती थी आज शायद वहाँ पे बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो पिघल गए हों पिघल रहे हों वहाँ पे उनकी मतलब अभी भी बर्फ़ हो लेकिन शायद पिघल रहे हों इस तरीके से सी लेवल इंक्रीज़ हो गया ठीक है जहाँ जो इलाके जहाँ कुछ इलाक़ों में ड्राउट बन गया यानी बिल्कुल ही मतलब खुश्क साली हो गई है और कुछ इलाकों में फ़्लड आ गए ये होता है ठीक है इट मे लीड टू सर्टन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज बिकमिंग एक्सटिंक्ट इस तरीके से एक्सटिंक्ट भी हो जाती हैं ग्रीन हाउस गैसिस की वजह से ये ग्रीन ग्लोबल uh, वार्मिंग की वजह से चेंजिंग द लेंथ ऑफ सीजन एंड वर्ड क्रॉप्स कैन बी ग्रोन कैजुअली कॉज कोस्टल फ्लडिंग एंड लीड टू मोर फ्रीकवेंट एंड सवेयर स्टोम्स इस तरीके से सी लेवल आपको पता है इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से कोस्टल फ्लडिंग हो सकती है यानी साहिल समंदर पे ए, सी लेवल आपको राइज होगा तो फिर साहिल समंदर डूब जाएगा मतलब जो कोस्टल एरियाज हैं वो डूब जाते हैं पानी में और ये नहीं पता चलता कि कितने सीजन कितना कि, कितना लंबा एक फसल है वो कितना टाइम लेगी ग्रो होने में एनिमल्स एक्सटिकट होते हैं ये डिसडवानटेज हैं इनहाइड्रोनोबल गैसेज़ पढ़ लेते हैं नोबल गैसेज दे आर ऑल्सो कंटेन सम अदर गैसेज विच वी हैव ओनली मैंशनड ठीक है इसमें हमने इनके सिर्फ नाम लिए थे हीम अर्गॉन वगैरह ठीक है इसमें नोबल गैसेज कौन कौन सी हैं अरगॉन हीम नियन क्रिप्टॉन जीनॉन ये जीनॉन है ठीक है ऑल टूगेदर देक अप अबाउट वन परसेंट ऑफ द एयर अच्छा ये वन परसेंट बाई वॉलीम बना रहे हैं अर्थ को और इनर्ट गैसेज डो नॉट रिएक्ट विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स बट दे स्टिल हैव दियर यूज ये रिएक्ट नहीं करती अन रिएक्टिव है इसीलिए इनको इनर्ट कहते हैं इनर्ट कहते हैं जो चीज़ दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें हीज यूज टू फिल बस बेलून्स में यूज होती है हीम ठीक है इट इज़ अ लाइट गैस लाइट गैस है इसलिए बलून्स में होती है बलूनस में यूज होती है Uh, क्योंकि फिर उन्हें उड़ना ऊपर होना होता है ऊपर हवा में होना होता है तो वो लाइट गैस है तो वो ऊपर लेके जाएगी बलून्स को एंड अनलाइक हाइड्रोजन इज इट इज़ नॉट फ्लेमेबल हाइड्रोजन जो है वो फ्लेमेबल है लेकिन हीलियम फ्लेमेबल नहीं है उसको आग नहीं लग सकती इनइट गैसेज आर ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रिक एंड एडवर्टाइजिंग साइंस इस तरीके से आप लोगों को नीचे एक बोर्ड दिया हुआ है इस किस्म के जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं इनके अंदर हीलियम गैस होती है बहुत जरूरी होती है ठीक है um, सॉरी जल नहीं रही होती अभी मैंने बोला कि वो फ्लेमेबल नहीं है वो वो होती है उसकी वजह से ये थोड़े नियॉन नियोन सा शेड आ रहा होता है मैंने वेरी हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई टू अ ट्यूब कंटेनिंग वन ऑफ दीज गैसेज इट ग्लोज अच्छा काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इन ट्यूब्स के अंदर ये वगैरह गैसेज होती हैं तो और फिर उसके बाद ग्लो क्रिएट होता है ईज गैस गेप्स डिफरेंट कलर लाइट हर गैस के अलग अलग लाइट होती है नियॉन की अलग होगी हीलियम की अलग होगी क्रिप्टॉन की अलग होगी वगैरह बिकॉज इट डज नॉट कम्बाइन विन एनी थिंग अरगॉन इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स को के के मैनुफेक्चर में काम आती है अरगॉन क्योंकि ये कुछ और मतलब ये कम्बाइन नहीं हो सकती किसी और के साथ ठीक है ट्यूब ऑफ दिस इलेक्ट्रिक साइन फिल्ड विद वन और मोर ऑफ नोबल गैसेज तो इसका ये कि ये जो है वो काफ़ी इसमें जो ट्यूब्स हैं इसमें हीलियम और नियन वगैरह ये सारी जो नोबल गैसेज हैं इन गैसेज हैं इनमें ये पाई जाती हैं बस यही था आप लोगों का चैप्टर आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को क्लास में करवाएंगे अगर नहीं है तो मैं क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगी ग्रुप में ठीक है असम बात यह है कि आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर जिस जिस दिन मैं भेजूंगी उसी दिन आप लोगों ने करने उसके बाद फिर उस दिन के बाद से मुझे कोई ना मांगे कि मैम वो मैंने लिखे नहीं थे आप मुझे फिर से सेंड कर दें री सेंड मैं आप लोगों को सेंड करूँगी और अपनी तरफ से डिलीट कर दूँगी मेरी गैलरी ज़्यादा भर जाती है तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सेंड करूँगी और मैं डिलीट कर दूँगी उसके बाद किसी ने किया है तो ठीक है किसी ने नहीं किया तो वो अपने फ्रेंड से मांगे सही है मैं हम लोग को पहले से ही वॉन्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग साथ साथ ही काम करें पिछली बार भी आप यही किया था कि मतलब मैं बोलती थी कि आज करें तो दो तीन बच्चे करते थे फिर उस बाद कुछ बच्चे फिर उनको होश आया था तो फिर वो कहते थे अच्छा मैम वो आपने उस दिन काम कराया था वो फिर से सेंड कर दें और फिर मैं बार बार सेंड कर रही थी ठीक है अभी काम नहीं चलेगा साथ साथ काम करें नहीं तो फिर अपन किसी दोस्त से मांगें ठीक है मैं अपनी तरह से डिलीट कर दिया करूँगी चलें बेस्ट ऑफ तो लक और अल्लाह हाफिज़